हे गाइस, आज देखते हैं ड्राइंग्स का कंसेप्ट क्या है। बिजनेस ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या फिर कोई वस्तु ले जाते हैं तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स ज़्यादातर छोटे बिजनेस में होता है। ड्राइंग का कंसेप्ट कैपिटल से एकदम अपोजिट है। कोई भी बिजनेस ओनर जब कंपनी में पैसे डालता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, और ड्राइंग्स का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या फिर प्रोडक्ट एसेट बिजनेस से ले जाना है, तो जाहिर है इससे कैपिटल कम होगा, इसलिए ड्राइंग्स का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ड्राइंग्स कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। ड्राइंग्स तो पर्सनल यूज की वजह से बिजनेस कैपिटल का रिडक्शन है। ड्राइंग्स अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, हर साल उसको क्लोज किया जाता है और बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर ड्राइंग्स कैश के तौर पे हुआ है तो उसकी एंट्री इस प्रकार होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर ड्राइंग्स वस्तु के तौर पे हुआ है तो उसकी एंट्री इस प्रकार होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या फिर परचेस अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री में वस्तु का कॉस्ट प्राइस मेंशन किया जाएगा। बैलेंस शीट में ड्राइंग्स का इफेक्ट कुछ इस प्रकार दिखेगा। कुल मिला के ड्राइंग्स का इफेक्ट ऐसे दिखेगा, ड्राइंग से एसेट डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।